इज वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल आर डूइंग वेल आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला ब्यूटीफुल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जिसको आप किसी भी वेडिंग uh, के ऊपर यू नो क्रिएट कर सकते हो अगर आप न्यूली मैरिड हो तो इस मेकअप लुक को आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ग्लैमरस है ईजिली आप इस मेकअप लुक को क्रिएट भी कर सकते हो कैरी कर सकते हो किसी भी स्पेशल ओकेजन के ऊपर तो सबसे पहले मैं अपने लेंसेज वेयर करूँगी ये मैंने लिए हैं लेंसेज एक्वा लेंस ब्रैंड के यस ठीक है एनवी ग्रीन इसमें मेरा शेड है और काफ़ी नेचुरल लेंसेज है बिल्कुल भी पता नहीं चलता बहुत ही लाइट वेट है टू फेस्ट का एक्सट्रीम लिप इंजेक्शन ये अप्लाई करूंगी सबसे पहले मैं लिप्स को मॉइस्चराइज भी करेगा थोड़ा सा प्लम्प भी बनाएगा बिलीफ का एक्वा नॉट एक्वा इट्स लाइक मॉइस्चराइजिंग बॉम्ब ऐसे कुछ नाम है हाइड्रेटिंग है बहुत ही ज़्यादा ये क्रैम बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है मार्स का यहाँ पे मैंने ग्लो क्लॉक प्राइमर लिया है ये प्राइमर अभी सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है बिकॉज बहुत ही अच्छा एक स्टिकी बेस बनाता है और काफ़ी हैवी बेस बना देता है ठीक है और उसके बाद मैं अपनी आई क्रैम अप्लाई करूंगी बायोटिक की आई क्रैम लूंगी आलमंड आई क्रैम अभी आई क्रैम लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी आईज़ को आप जितना मॉस्चराइज रखोगे उतना फाइन लाइन रिंकल्स एंड डार्क डार्कनेस जो होती है ना डार्क स्पॉट्स वगैरह वो कम आते हैं ठीक है मैं तो यूजली मेकअप करती हूँ तो मुझे आई केयर ज़्यादा करनी पड़ती है अपनी लैकमे कैप्सुलूट थ्री डी कवर फाउंडेशन लिया है मैंने और इसमें मैं मिक्स करूँगी मार्स का ये आ, स्पेक्ट्रा ग्लो हाईलाइटर अभी मेरे को इसको फिनिश करना है तो इसलिए आई थिंक कि मुझे आई थॉट कि सर्दियों में मैं इसको ज़्यादा यूज यूज़ करूँ ताकि ये फिनिश हो जाए मेरा स्विस ब्यूटी का यहाँ पे लिया है मैंने हाई लिक्वड कंसीलर पेन कंसीलर एच डी पेन कंसीलर इनमें इसमें शेड है मेरा जीरो थ्री प्योर बेज हाईलाइटिंग कंसीलर है ये बहुत ही अच्छा और काफ़ी अफोर्डेबल तो है ही ठीक है उसके बाद हम सेट करेंगे कंसीलर को कलर बार का यहाँ पे कॉम्पैक्ट लिया है मैंने ये बड़ा बेसिक सा कॉम्पैक्ट आता है ना जो 150 वाला वो वाला है तो इसके साथ मैं क्या करूँगी अपनी जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया सिर्फ वो वाला एरिया यूज के उसके ऊपर अप्लाई करूँगी क्योंकि लाइट है ये शेड तो सन बेज और आइवरी बेज ऐसा कुछ शेड है इसमें तो हाईलाइटिंग के लिए इट्स लाइक परफेक्ट पूरे फेस को सेट करूंगी मैं लॉरियल के मैट मजीदी कॉम्पैक्ट के साथ इसमें ये ये वाला शेड जो है मेरा परफेक्ट मैच है शेड मुझे याद नहीं है बहुत पुराना है ये और अभी तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली होने वाला ये तो फ्लफी ब्रश लिया है मैंने ये स्विस ब्यूटी का ही ठीक है और अच्छे से पूरे फेस को पैक कर लिया है हमने अब यहाँ पर ब्राउनज़र अप्लाई करूंगी नेक्स का यहाँ पर मैंने लिया है मैट ब्राउन्ज़र बहुत टाइम से पड़ी ना मेरे पास तो पैकेजिंग काफ़ी ऐसे पाउडरी वाउडरी ऊपर हुआ पड़ा था तो अच्छे से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्राउंज़र है अगेन बहुत ही अच्छा मैट ब्राउन्ज़र है लाइक कोई इसमें चंक की पार्टिकल्स नहीं है कोई भी ग्लिटर चंक्स कुछ नहीं है मैट है और बहुत ही अच्छे एक सनकिस्ट आपको लुक मिलती है आई लव ब्राउनज़र ठीक है मुझे ब्राउन्जिंग करना बहुत अच्छा लगता है फेस फ्लैट नहीं दिखता आपके फेस को डायमेंशन मिलती है फ़ीचर्स आपके इनहस्ड होते हैं यू नो शार्प लगते हैं आपके फ़ीचर्स यूजली फाउंडेशन के बाद आपका फ़ेस पूरा फ्लैट हो जाता है ओके अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश यहाँ पे मैंने लिया है फेसिस कैनाडा का ब्लश ये पिंक ब्लश है आई थिंक डर्टी पिंक ऐसा कुछ शेड है इसका काफ़ी हॉट पिंक सा शेड है लेकिन इसमें ना हल्के से चंकी पार्टिकल्स हैं तो अगर आप रात के टाइम पे कोई अच्छा ब्लश अप्लाई करोगे इसको अप्लाई करोगे बेसिकली तो काफ़ी रिफ्लेक्ट करेगा और काफ़ी अच्छा लगता है अभी थोड़ा मैंने ज़्यादा लगाया लेकिन इसको बाद में थोड़ा सा टोन डाउन करूँगी इसको मैं हाइलाइटर के लिए वेटन वर्ल्ड का हाइलाइटर है बेक्ड ब्लश है वैसे तो लेकिन ये हाइलाइटर है गोल्डन कलर का और इसको मैं थोड़ी फ्लफी ब्रश के साथ लगा रही हूँ यू कैन सी मेरा अभी फ़ैन ब्रश ना मिल नहीं रहा तो मैंने इसको थोड़ी सी मोटे ब्रश के साथ लगाया लेकिन ठीक है बहुत ही अच्छा अप्लाई हो जाता है ये और इसमें चंगे पार्टिकल्स नहीं है मैक का लिया है मैंने ये प्रेप प्लस फिक्स सेटिंग स्प्रे ठीक है और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बहुत रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस है इसकी अब लेंगे हम अपने आईब्रोज़ को फिल करेंगे तो पहले मैंने स्वस्ट ब्यूटी का ही ये स्पूली लिया है एक साइड पे एंगुलर ब्रश है एक साइड पे स्पूली है तो कॉम्ब करके ना जितना पाउडर वगैरह था निकाल दिया आईब्रोज में से कलर बार की आईब्रो पेंसिल ली है चेस्टनट इसमें मेरा शेड है ये मिनी वाली है ना जो टू फोर्टी और टू फोर्टी ऐसे कुछ आता है प्राइस इसका तो वो है ये काफ़ी क्रीमी है तो इसको मैं अप्लाई करूँगी पहले बॉर्डर्स को और फिर हम स्पूली लेके बस इस प्रोडक्ट को स्प्रेड कर देंगे ठीक है ना इवनली तो इसके साथ क्या होगा मेरे जो आईब्रोज है बहुत ही नेचुरल लगेंगे एंड ओवर डन नहीं लगेंगे यू कैन सी पहले अप्लाई करके प्रोडक्ट क्योंकि क्रीमी है ना तो जल्दी से स्प्रेड हो जाता है यू कैन सी एकदम हमने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है दैट्स इट ओके जी अब हम आई मेकअप करेंगे आई मेकअप के लिए मैंने लिया है निकाके की आई शेड पैलेट द शेड बर्थडे केक और इसमें से ये हॉट पिंक शेड लेके ना ये वाला और ये दोनों दोनों ले लेँगी मैं तो ये हॉट पिंक शेड लेके मैं दोनों को ही मिक्स करके बेसिकली अपनी लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ लाइक पहले आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते पूरी लिड के ऊपर नहीं अप्लाई करूंगी लाइक हाफ और वन फोर्थ लिड तक अप्लाई करूँगी और फिर येलो शेड लेके एक क्लीन फ्लफी ब्रश के ऊपर अपने एजेज को हम ब्लेंड कर लेंगे लिक्विड आई शेडो लिया है मैंने स्विस ब्यूटी का जिसको मैं कट क्रीज के जैसे अप्लाई कर रही हूँ अपनी हाफ लिड तक और उसके बदले ये है मैंने ग्लिटर्स ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में भी मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया कॉम्बो पैक की यहाँ पे मैंने लिया है स्पार्कलिंग डिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा एक ग्लिटर प्राइमर और हम यहाँ पे अपने ग्लिटर्स को स्टिक कर देंगे तो अगर आप ये ग्लिटर ग्लू लगाते हो जो बेसिकली पहले तो आपका ग्लिटर्स बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं करेंगे यू कैन सी ओके जी अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर स्विस ब्यूटी का आईलाइनर लिया है मैंने एंड बहुत ही अच्छा आईलाइनर है जेट ब्लैक है पेन एलिनर है इसकी टिप बहुत लंबी और बहुत शार्प है इसके साथ जितना चाहे मर्जी मोटा पतला आपका जैसे दिल करे ना बहुत ही ईजिली इसके साथ अप्लाई हो जाता है यू कैन सी मैंने विंग अप्लाई की है यहाँ पे ठीक है विंग बनाई है और काफ़ी अच्छे से इसको फिल कर लिया यहाँ पे बेनिफिट का रोलर लैश मैंने मस्कारा लिया है और अपर लैशज़ को पहले क्लीन करूँगी और लोअर लैशज़ को अच्छे से कोट कर लूँगी बिकॉज फॉल्सिस मैंने लगानी है बस इसको क्लीन किया है और लोअर लेशेस को अच्छे से मैंने कोट कर लिया है मस्कारा के साथ काजल नहीं लगाऊंगी मैं आप चाहे तो काजल अप्लाई कर सकते हो बट मुझे लगा कि मैंने अब ऊपर इतना कुछ लगा लिया है तो काजल को थोड़ा छोड़ देते हैं इनसाइड साइड का लिप लाइनर लिया है सुपर लिप लाइनर इन दी शेड होम गर्ल और ये बहुत प्यारा शेड है इसका मैं इंडिविजुअल रिव्यू बहुत जल्दी शेयर करूँगी लिप लाइनर बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें शेड्स आपको मिल जाते हैं लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है टू फेस्ड की ये मेल्टेड मैट लिप कलर इन द शेड बेंड स्नैप बहुत ब्यूटीफुल लाइक एक प्रॉपर फूशिया पिंक जहाँ बोल सकती हैं रानी पिंक शेड जो होता है ना जिसका अंडरटोन ब्लू होता है वो वाला शेड मैंने अप्लाई कर लिया है एंड इसी के साथ हमारी लुक हो जाती है कंप्लीट बट आज मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने वाली हूँ जो मैं नेल्स अप्लाई करने वाली हूँ एक हाथ पे मैंने लगा लिया तो फिर मुझे याद आया कि मैं इसकी वीडियो क्यों ना बना लूँ मतलब आपको भी शेयर करूँ तो यू कैन सी मतलब कितना डिफरेंस आ जाता है ना यहाँ पर ये ओम उम, ओमरे लुक है नेल्स की ये फेक नेल्स है फ्रॉम ब्रांड द नेल स्टेशन ठीक है ये आप देख सकते हैं एक हाथ मेरा कितना सिंपल लग रहा है तो ये नेल स्टेशन ये ना ऑफिशियल वेबसाइट लाइक आप इंस्टाग्राम पेज है इनका और मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इनके परचेज़ किए हैं इसमें आपको ये मिलता है पहले तो ये बफर ठीक है ये थोड़ा सा आपके नेल्स को थोड़ा यू नो ऊपर की स्किन को थोड़ा खुरदरा सा बनाता है जिसके साथ अच्छे से आपके नेल्स टिक कर पाते हैं ठीक है और फिर इसी के साथ आपको ये छोटी सी ग्लू मिलती है ये ग्लू आप एक्स्ट्रा भी परचेज़ कर सकते हो मैंने एक्स्ट्रा भी ली है फिफ्टी रुपीज़ की आती है ये नेल स्टेशन की ग्लू इसको अप्लाई करके ठीक है तो थोड़ा सा प्रेस करके ये ग्लू निकलती है तो मैंने नेल्स को स्टिक कर लिया ये आई थिंक इसमें है ट्वेल्व नेल्स है इसमें यस yes. ये ट्वेल्व का कॉम्बो लिया है मैंने सिक्स फोर्टी नाइन रुपीज़ का बस कुछ सेकंड्स के लिए आपने थोड़ा सा इसको प्रेस करना है ये प्रेस ऑन नेल्स हैं तो थोड़ा सा प्रेस करोगे उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है एंड या हो गया दैट्स इट तो अभी मैंने पूरे नेल्स लगा लिए हैं हमारा लुक हो जाता है कंप्लीट तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था तो ये दो नेल्स बच के हैं और अब हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र हैंड्स के ऊपर तो मैंने यहाँ पे लिया है निविया का हैंड क्रीम ओके यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों ये मैंने क्लिप ऐड कर दी ठीक है जी तो हेल्स ना मेरे हैंड्स बहुत ड्राई हो रहे थे स्टिक बहुत अच्छे से हुए हो थे होल्ड बहुत अच्छा है आप इनको लगा के छोड़ भी सकते हो यू you नो know? मतलब मैंने तो फटाफट से फिर उतार भी दिए गर्म पानी में करके क्योंकि मुझे काम करना था घर का किचन का, का काम नहीं आप कर सकते हो लाइक मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ इन नेल्स के साथ हाँ ये ठीक है कि ओकेजनली इनको आप अप्लाई कर सकते हो प्रेस और नेल्स को बहुत ब्यूटीफुल है और इनमें प्रिंट वगैरह तो बहुत ही सुंदर सुंदर है और मंगवाऊंगी मैं और इनसे ऑर्डर करूंगी सो दैट